MGY001 का अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्य काल के प्रमुख ज्योतिर्विदों का वर्णन कीजिए। वाहरामिहिर, कल्याण वर्मा, ब्रह्मगुप्त, मुंजाल, महावीराचार्य, भटोत्पल, चंद्रसेन, श्रीपति और श्रीधर, ये प्रमुख पूर्व मध्य काल के प्रमुख ज्योतिर्विद हुए हैं। वाहरामिहिर, वाहरामिहिर इस युग के धुरंधर ज्योतिर्विद हुए। इन्होंने इस विज्ञान को क्रमबद्ध किया और अपनी अप्रतिम प्रतिभा द्वारा इसमें अनेक नवीन विशेषताओं का समावेश किया। इनका जन्म 505 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने सूर्य से वर प्राप्त कर अपने पिता आदित्य दास से ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद उज्जैनी में जाकर रहने लगे। वहीं पर वृहद जातक की रचना की। इनकी गणना विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में की गई है। यह त्रिस्कंद ज्योतिष शास्त्र के रहस्य वेता कहे गए हैं। इन्होंने अपने पूर्वकालीन प्रचलित सिद्धांतों का पंच सिद्धांतिका में संकलन किया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने वृहद संहिता, वृहद जातक, लघु जातक, विवाह पटल, योग यात्रा और समास संहिता नामक ग्रंथों की रचना की है। वाहरामिहिर के जातक ग्रंथों का विषय सर्वमान्य गंभीर और मत मतांतरों के विचारों से परिपूर्ण है। वृहद जातक में मेषादि राशियों की यवन संख्या और अनेक यवनाचार्यों का भी उल्लेख किया गया है। इनका संहिता भी स्कंद भी अद्वितीय है। ज्योतिष शास्त्र में यूं तो अनेक संहिताएं हैं पर इनकी संहिता जैसी एक भी पुस्तक नहीं। डॉक्टर कर्ण ने वृहद संहिता की बड़ी प्रशंसा की है। वास्तविक बात तो यह है कि फलित ज्योतिष का इनके समान कोई अद्वितीय ज्ञाता नहीं हुआ। यह निष्पक्ष ज्योतिष और भारतीय ज्योतिष शास्त्र साहित्य के निर्माता माने जाते हैं। इन्होंने भारत के ज्योतिष को केवल ग्रह नक्षत्र ज्ञान तक मर्यादित न रखकर मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं के साथ भी इसकी व्यापकता बतलाई। वह कल्याण वर्मा, इनका समय ईस्वी 579 का माना जाता है। इन्होंने यवनों के होरा शास्त्र का सार संकलित कर सारावली नामक जातक ग्रंथ की रचना की, जो कि सारावली वाहरामिहिर की वृहद जातक से भी बड़ी है। जातक शास्त्र की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला है ब्रह्मगुप्त। यह वेद विद्या में निपुण, प्रतिष्ठित और असाधारण विद्वान थे। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में ही ब्रह्मस्फुट सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की। इसके अतिरिक्त इन्होंने खंड खाद्यक नामक करण ग्रंथ की भी रचना की। ब्रह्मगुप्त बीजगणित के कई नवीन नियमों ब्रह्मगुप्त ने बीजगणित के कई नवीन नियमों का आविष्कार किया। इसी से ये गणित के प्रवर्तक भी कहे गए। अरब वालों ने बीजगणित ब्रह्मगुप्त से ही लिया है। इनके गणित ग्रंथों का अनुवाद अरबी भाषा में भी हुआ है। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का असिंध हिंद के नाम से अनुवाद हुआ है। इन्होंने पृथ्वी को स्थिर माना है और आर्यभट्ट के पृथ्वी चलन सिद्धांत की जी भर की निंदा की है। जिन्हें उत्तर मध्य काल के प्रमुख आचार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर मध्य काल में भास्कराचार्य, दुर्गदेव, उदय प्रभ देव, बल्लाल सेन, पद्म प्रभ सूरी, नरचंद उपाध्याय, महेंद्र सूरी, मकरंद इत्यादि प्रमुख ज्योतिर्विद हुए हैं। भास्कराचार्य, वाहरामिहिर और ब्रह्मगुप्त के बाद इनके समान प्रभावशाली सर्वगुण संपन्न कोई दूसरा ज्योतिर्विद नहीं हुआ। इनका जन्म 1114 में विज डविड नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महेश्वर उपाध्याय था। महेश्वर इनके पिता और गुरु दोनों ही थे। इनके द्वारा रचित लीलावती बीजगणित, सिद्धांत शिरोमणि, करण कुतूहल और सर्वतोभद्र ग्रंथ है। ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और पृथुदीक स्वामी के भाष्य को मूल बनाकर मानकर इन्होंने अपना सिद्धांत शिरोमणि बनाया है तथा आर्यभट्ट, लल, ब्रह्मगुप्त आदि के मतों की आलोचना भी की है।
शिरोमणि में अनेक नए विषय भी आए हैं। प्राचीन आचार्यों के गणितों में संशोधन कर बीज संस्कार निर्धारित किए। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि पर वासना भाष्य भी लिखा है, जिससे इनके सरल और सरस गद्य का भी परिचय मिल जाता है। ज्योतिषी होने के कारण के साथ साथ भास्कराचार्य ऊंचे दर्जे के कवि भी थे। सिद्धांत में भगण उत्पत्ति लघुज्या प्रकार से जयानयन चंद्र कलाकरण साधन भूमानयन सूर्य ग्रहण का गणित स्पष्ट शर द्वारा स्पष्ट क्रांति का साधन आदि बातें इनके पूर्वाचार्यों की अपेक्षा नवीन है। इन्होंने फलित का कोई ग्रंथ लिखा था, पर आज वह उपलब्ध नहीं है। कुछ उदाहरण इनके नाम से मूर्त चिंतामणि की पीयूष धारा टीका में मिलते हैं। आधुनिक युग के प्रमुख ज्योतिर्विदों का परिचय दीजिए। मुनीश्वर, दिवाकर, कमलाकर भट्ट, नित्यानंद, मेघ विजयगणी, बागजी मुनि, बापूदेव शास्त्री, नीलांबर झा, सुधाकर द्विवेदी आदि आधुनिक युग के प्रमुख ज्योतिर्विद हैं। मुनीश्वर, इन्होंने भास्कराचार्य के सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती नामक ग्रंथों की विस्तृत टीकाएं लिखी है। इन्होंने सिद्धांत सार्वभौम नामक एक ज्योतिष ग्रंथ बनाया है। यह काव्य, व्याकरण, कोश और ज्योतिष आदि अनेक विषयों के प्रकांड विद्वान थे। दिवाकर, इन्होंने फलित विषयक जातक पद्धति नाम का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है। कमलाकर भट्ट, इन्होंने प्रचलित सूर्य सिद्धांत के अनुसार सिद्धांत तत्व विवेक नामक ग्रंथ बनाया है। कमलाकर ने ज्योतिष के अनेक सिद्धांतों को तत्व विवेक में बड़ी कुशलता के साथ रखा है। यदि यह निष्पक्ष होकर इन सिद्धांतों की समीक्षा करते तो वास्तव में सिद्धांत तत्व विवेक एक अद्वितीय ग्रंथ होता। नित्यानंद, इन्होंने सायन गणना के अनुसार सिद्धांत राज नामक महत्वपूर्ण ज्योतिष का ग्रंथ बनाया। मेघ विजयगणी, इनके द्वारा रचित मेघ महोदय, उदय दीपिका, रमल शास्त्र और हस्त संजीवन आदि प्रमुख है। बापूदेव शास्त्री, भारतीय ज्योतिष और यूरोपियन गणित इन दोनों के यह अद्वितीय विद्वान थे। वर्तमान में नवीन गणित की जागृति के मूल कारण शास्त्री जी हैं। इन्होंने त्रिकोणमिति, बीजगणित और अव्यक्त गणित, ये इनके तीन प्रसिद्ध ग्रंथ है। त्रिकोणमिति, बीजगणित और अव्यक्त गणित। सिद्धांत शिरोमणि के संशोधन के पश्चात शास्त्री जी का नाम संशोधक प्रसिद्ध हो गया। वास्तव में यह थे भी सच्चे संशोधक। गणित विषय के यूरोप के उच्च सिद्धांतों का भारतीय सिद्धांतों के साथ इन्होंने बहुत कुछ सामंजस्य किया है। सुधाकर द्विवेदी, यह ज्योतिष ज्ञान के अलावा अन्य विषयों के भी अद्वितीय विद्वान थे। फ्रेंच, अंग्रेजी, मराठी, हिंदी आदि विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता थे। इन्होंने चलन, कलन, दीर्घवृत्त, गणक, तरंगिणी, प्रतिभा बोधक, पंच सिद्धांतिका की टीका, सूर्य सिद्धांतिका की सुधा वर्षिणी टीका, ग्रह लाघव की उत्पत्ति, ब्रह्मस्फुट सिद्धांतिका की टीका इत्यादि अनेक रचनाएं लिखी हैं। वेद संहिता का संशोधन कर प्रामाणिक संस्करण इन्होंने प्रकाशित करवाया था।